देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज जबरेडा के विधायक देशराज करणवाल ने ग्राम सलीमपुर राजपुताना से खाताखेड़ी मार्ग पर लगभग 27 लाख की लागत से बनने वाली 3 किलोमीटर पीसी सड़क का शिलान्यास किया। विधायक देशराज ने बताया कि विकास कार्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राज्य योजना के तहत कराया जा रहा है। इस सड़क का लाभ लगभग लाखों लोगों को पहुंचेगा। विधायक देशराज जब शिलान्यास करने सलीमपुर पहुंचे तो पिछले दिनों किए गए नाले के शिलान्यास को लेकर गांव वासियों ने नाराजगी भी जाहिर की। इसकी मेंटेनेंस ठीक है और ये नाला यहाँ जाएगा उधर का पास, अगर इसमें पानी इस बरसात में नहीं रुका, अगर पानी इसका ये कवर ना हो पाया तो अगली बार उधर को बनवाऊंगा। मुझे सलीमपुर गांव सलीमपुर विधायक है, पूरा सलीमपुर गांव विधायक है, विधानसभा का नहीं, नहीं, नहीं हूँ, आप लोग हैं, कोई समस्या छोड़ने का नहीं, लेकिन धीरे धीरे। इसके बाद देशराज करणवाल ने उन्हें तसल्ली देते हुए कि आप लोग सब निश्चित रहे, नाले के निर्माण में किसी तरह की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। कि नाला जो है वो बीच से शुरू हो और एक्शन साहब का जय साहब का ये कहना है कि पहले लेवल होगा दोनों साइड से, और चूंकि फिर ऊंचा ना बन जाए, ज्यादा नीचा ना हो जाए, पानी का ठहराव ना हो, तो यानी कि बढ़िया नाला बने। वो नाला जो है क्योंकि जो टेक्निकल लोग हैं, एक्शन साहब हैं, जय साहब हैं, ये साहब हैं, उन्होंने समझा बुझा दिया है, मैंने भी समझा बुझाया गाँव के लोगों को। उनके दिमाग में ये थी कि नाला 750 मीटर पास है तो, और वो वहां से जाके जो पुराना नाला है उसे दोबारा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुराने नाले का मेंटेनेंस है, वो जो गलत फहमी थी गांव वालों की, वो मोहल्ले वासियों की, वो दूर कर दिए। एक्शन साहब वहां पर मौजूद थे, अब सब सेटिस्फाई हैं और आज से काम शुरू हो गया है। ये 3 किलोमीटर सड़क जो 27 लाख रुपए की लागत से, एक्शन साहब यहां पर मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी बनेगी। और जो झबरेड़े वाली सड़क है वो अच्छी बनी हुई है, कहीं कहीं को अगर उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि पानी का रुकाव हो सकता है, उसका एक्शन साहब निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उसे अगर वो गलत पाई गई तो उसको। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।